पूरा गाड़ी कचरा हो गया देखो। ओए होए यार इतनी प्यारी। मैंने मुझे याद है एक बहुत बड़ा वाकया हुआ था जी जी, जिसमें बसों से उतार के मेरे ख्याल से 29-30 लोगों को मारा था। तो वो पार्किंग के पानी के अंदर ही घुसा दें कहीं पे। तो यार मैच भी था यूसुफ का, तो भाई हमने ड्राइविंग करते हुए मैच भी देख रहे हैं, तो मैच अभी स्टार्ट होने वाला है। यार अस्सलाम वालेकुम, एक दफा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हो गए हैं। इनको जिस तरह के अभी फ्री होके रूम से बाहर निकले हैं, तो यार कुछ मौसम कुछ ऐसा है कतर का, आज यार गर्मी भी लग रही है और हवा भी चल रही है, तो ऐसा कोई मौसम है। और चलते हैं आज के कोई सीन शीन आपको भी दिखाते हैं। आज बड़े शुक्र मेला लगाते हैं और आपको भी दिखाते हैं यार, इंटरटेन करते हैं थोड़ा सा आपको भी। बंदा हमारा आ गया था, बंदा हमारे पास आ गया, आगे कहता है यार जुमेरात की रात है, छुट्टी है, और छुट्टी को जो है ना फुल इंजॉय करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बंदे ने कहा यार अभी छुट्टी वाले दिन भी ना एंजॉय करें तो फिर कैसे एंजॉय करें। और बारिश हो गई, पूरा गाड़ी कचरा हो गया देखो। ओए होए यार इतनी प्यारी गाड़ी यार। ब्रो अभी मोहम्मद भाई वाली बात बोलूंगा यार, धो यार मुंह तो नहीं धोते आप, इसको तो धो लिया करो। बारिश हो गई वरना धो रहा था, मुंह नहीं धोता लेकिन गाड़ी लाजिम धोता हूं। ये बात है। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं, बैठते हैं। यार मौसम क्या यार, आज गर्मी है यार, गर्मी लग रही है यार। हमें पाकिस्तान में सर्दी हो गई है, कश्मीर में स्पेशली हमारे, और इधर गर्मी लग रही है, क्या चक्कर है? कुछ नहीं बोल सकते। अपने वलीद भाई तो आ गए थे आज। अस्सलाम वालेकुम। तो क्योंकि कल जो है ना जुमेरात की रात है आज, समझ लो जुम्मे की रात, कल जो है ना ऑफ होता है सबका, हमारा भी ऑफ है, छुट्टी है, तो निकलना था रात को, लाजिम हमने निकलना था। तो अभी सोच रहे हैं कि अभी किधर जाना है, घूम रहे हैं पहले दोहा सिटी वाली साइड ही। तो हमारे वलीद भाई यार बलूचिस्तान से, यार बड़ा खूबसूरत कश्मीर की तरह का एरिया बल्कि। तो यार बलूचिस्तान में लास्ट मैंने मुझे याद है एक बहुत बड़ा वाकया हुआ था जी जी, जिसमें बसों से उतार के मेरे ख्याल से 29-30 लोगों को मारा था। तो वो वाकया यार बड़ा यार अफसोसनाक वाकया हुआ था। तो उसका क्या कोई मामला हुए थे, क्या कोई सीन हुआ था? यार वो वाकया मेरे घर से बिल्कुल नजदीक ही हुआ है, मेरे घर से तकरीबन थोड़ा सा सफर है, उसी जो हाईवे जाता है जो पंजाब और बलोचिस्तान को मिलाता है, N70 उसको बोलते हैं, उसी रास्ते में वो वाकया हुआ है। लेकिन लोग बलोचों को नाम बदनाम करते हैं, जो कुछ लोग होते हैं बलोच का नाम बदनाम करते हैं ना, वो लोग उनमें शुमार होते हैं। हालांकि हकीकत बात उनमें बलोच कोई नहीं शामिल, बलोच और पंजाबी कभी भी एक दूसरे से जिद नहीं रखते। ये कुछ लोगों की अपनी सोच होती है कि बलोचों ने किया है बलोच में, या बलोच पूरे मिले हुए हैं या पंजाब पूरे मिले, नहीं सब एक पाकिस्तानी ही है, सब भाई हैं। ये कुछ जो शर पसंद लोग होते हैं ना, वही बीच में आकर के बोलते हैं ये पंजाबी है, ये बलोची है, ये है, ये सिंधी है, ये सरकी है, ये कश्मीरी है। लेकिन दर हकीकत बात ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो कुछ करते हैं कुछ बहुत ही घटिया लोग होते हैं जो ये काम करते हैं, बेगुनाह पंजाबियों को मार दिया। अभी उनमें जो लोग मरे थे उनमें दो भाई थे, एक ही घर के दो भाई थे, सब मजदूर लोग थे, हालांकि तौसा शरीफ के थे दो भाई थे। उन दो भाइयों का क्या कसूर था, अपनी रात को मजदूरी करके वापस अपने घर जा रहे थे, या कोई और था ड्राइवर था, सब के सब यानी एक गरीब घराने से थे, अपनी मजदूरी कर रहे थे। लेकिन ये जो उन्होंने देखे बलूचिस्तान के हालात थोड़े सही हो रहे हैं, तो बीच में उन्होंने ला करके ये चीज डाल दी, थोड़े हालात खराब करने के लिए, थोड़े बलोचों का नाम बदनाम करने के लिए, ताकि बलोच पंजाब आकर आपस में फिर मुखालफत हो जाए। लेकिन हकीकत बात पंजाब बलोच यानी पाकिस्तान का किसी भी सूबे से हैं, सब एक ही, कोई अलग नहीं है, कोई गैर नहीं है। यार बहुत अफसोसनाक वाकया हुआ था यार, वल्लाह ये तो सरासर जुल्म हुआ ना, जुल्म हुआ। जिसका कुछ ईमान है, जिसका कुछ दिल है, वो यही समझेगा कि ये जुल्म हुआ है ना, वो बलोच देखेगा ना वो पंजाबी देखेगा। तो उसमें कुछ एक्शन भी हुआ था यार? कुछ एक्शन कुछ नहीं हुआ था यार, दिल खौफजुदा हो जाता है ऐसी चीज देख कर। बहुत बड़ा हादसा था। गरीब किसी गरीब को मारना कितना, यानी अल्लाह पाक ने फरमाया है कि एक जो एक इंसान की कत्ल है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। बेशक। अगर कोई एक इंसान किसी एक इंसान को बचाता है तो वो पूरी इंसानियत को बचा लेता है। ये बात है, क्यों गरीब अवाम का क्या कसूर? गरीब अवाम को मार दिया, बस वही बात है भैया। चलो यार हम दुआई कर सकते हैं यार कि आइंदा ऐसा कुछ ऐसा ना हो पाकिस्तान में यार। तो ये सीन था यार, हमने भी वाकया देखा था और हमने कहा भाई उसी एरिया के थे, भाई से पूरी डिटेल ले लेते हैं, तो आप लोगों को भी बता देते हैं डिटेल। तो ये डिटेल थी उधर की, ये वाकया हुआ था।
तो अभी दुआ ही करते हैं हम कि आगे इस तरह का कोई वाकया ना हो। और अभी चलते हैं यार, किधर चले यार, अभी क्या करें, कुछ तो आवाम को दिखाना पड़ेगा ना। कॉर्निश चले, चलो कॉर्निश ही चलते हैं यार, कुछ तो यार कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो चलते हैं कॉर्निश, वहाँ पे टाइम शाइम गुजारते हैं और थोड़ा कुछ शुक्र मिला भी आते हैं, सभी भी शेयर करते हैं। फिर पहुँच गए हैं हम जी दोहा पोर्ट, दोहा पोर्ट में पहुँच गए, बाहर के कोई नज़ारे दिखाएंगे आपको उतर के। यार पहुंच तो हम गए लेकिन पार्किंग जो है ना यार, आज रश बहुत है यार, आपको पता है जुम्मे की रात होती है तो उसमें अल्लाह बचे मुझे तेरे वार से, तो उसमें जो है ना अभी देखो ना आवाम बहुत है, रश बहुत है, पार्किंग क्या करें, पार्किंग किधर ढूंढे, पार्किंग किधर, पानी के अंदर ही घुसा दें कहीं पे, नहीं है ना, जरूर नहीं करना, कहीं ना कोई ना कोई जगह में मिल ही जाएगी यार। जी क्लास, जी क्लास, इंशाल्लाह इंशाल्लाह उठाएंगे यार, जी वैगन इस पे बात, जी क्लास जेटी रोड जाम करे सोनी है, एक दिन लेंगे इंशाल्लाह। जी 63 कतर में तो यार रोज आम है यार ये गाड़ी, यार हर दूसरे बंदे के पास है। सही बात है, नहीं पाकिस्तान में लेनी है, इधर पाकिस्तान में, ओए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये नहीं लेनी LC 300 क्रूजर टोयोटा करो, कितनी आवाम है, ये किधर है ना, सिर्फ गाड़ियां लगा के घे किधर है, पानी के अंदर तो नहीं उतर गए, पता नहीं गाड़ी में बैठे होंगे शायद, लेकिन हमको पार्किंग नहीं मिल रहा, इतना जगह घूम कर पार्किंग नहीं मिल रही यार, सब सब अपने अपने गर्लफ्रेंड को लेके आए हुए और मैं तुझे लेके आया यार क्या यार, कभी कभी मोहम्मद भाई होते, कभी आप होते हो यार, वो मेरे किस्मत में तू ही है, तू ही मेरे साथ बैठा हुआ है, गर्लफ्रेंड किधर से आई है, गर्लफ्रेंड की जरूरत नहीं यार भाई, वो इतना खूबसूरत हूं सर भाई, वो गर्लफ्रेंड की जरूरत नहीं है भाई, जो दुनिया की जो सारी लड़कियां है ना सब मेरी बहन है, बस भाई है ये हमारे, छोड़ो गर्लफ्रेंड को नहीं चाहिए भाई, नहीं लगता आज हमें जो है ना पार्किंग मिलेगी, पार्किंग पूरी भरी हुई है, मुझे नहीं लगता आज हमें पार्किंग, मुझे लगता है बस गाड़ी में ही नज़ारे देख के ना, ये वाले नज़ारे पोर्ट के तो हमें निकलना पड़ेगा जलील, क्योंकि पार्किंग जो है ना नहीं मिल रही, रुकते हम पार्किंग अगर मिल जाती कुछ सीन सीन दिखाते आपको, लेकिन नहीं हो रहा, क्या करें फिर, चलते हैं पार्किंग नहीं है यार, नहीं है फिर कोई और जगह ढूंढते हैं किसी और जगह, इधर रुक करके अच्छा नहीं होगा ना हमारे लिए, सेहत का मसला हो जाएगा, वैसे ही बात है। तो दोहा का मैंने तो आपको दिखाया, मैं पहले भी बहुत ब्लॉग में दोहा पोर्ट की जगह, जिसने नहीं देखा हुआ तो वो भी चैनल में जाए और देख ले, ठीक है तो अभी चलते कुछ और ही दिखाते हैं आपको, चल के जो है ना हम जो है ना फुल पाकिस्तानी गेटअप में निकले हुए, ये नीचे चेक करो, इसको क्या कहते हो आप अपनी जबान में, इसको हम अपनी जबान में क्या बोलते हैं, मैं भूल गया हूँ यार, पाकिस्तान वो नहीं पहन रहा मैं, फेमस चीज यार पाकिस्तान की यार, आवाम भी कमेंट में बताएगी, आप बताओ यार, यार अफसोस है यार, क्या वो यार मतलब पाकिस्तान छोड़ा है, पाकिस्तान की चीजें ही भूल गए हो यार, ये तो ज्यादती है यार, ये तो ज्यादती है, देखो इसके दो नाम, एक इसको कहते हैं पिशावरी चप्पल, एक इसको कहते हैं खेड़ी, खेड़ी नहीं हमारे जबान में, खेड़ी नहीं बोलते, आपकी जबान में क्या कहते हैं, हमारे जबान में छब्बा बोलते हैं, छब्बा, हाँ उनमें छब्बा ला के आ गया ने राजा जी, ये चक्कर छब्बा भी लग गया ने, ठीक है ये चोला भी लग गया वाइट, क्योंकि यार अपना कल्चर नहीं भूलना चाहिए यार, मैंने कहा जो है ना अपने पाकिस्तानी ड्रेस में निकलते हैं, स्पेशली फ्रॉम कश्मीर से अगर हमें तो फिर कश्मीर के तो क्या कहने हैं, तो यार तो ये नज़ारे देखो, रात के नज़ारे देखो, ये नज़ारे देखो माशाल्लाह, डेंजर, तो यार मैच भी था यूसुफ का, तो भाई हमने ड्राइविंग करते हुए मैच भी देख रहे हैं, तो मैच अभी स्टार्ट होने वाला है, देखो ये कहता है गाड़ी रोको, अभी गाड़ी ड्राइव करते हुए स्पोर्ट हो रही है, देखो वो स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया, अभी गाड़ी रोकनी पड़ेगी, गाड़ी रोकनी पड़ेगी, अभी गाड़ी रोकनी पड़ेगी, किधर रोके, जगह 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 ही नहीं है, ओ यार शिट, गाड़ी भी रोकती है, स्कोर क्यों नजर आ रहे हैं, स्कोर क्यों नजर आ रहे हैं, इसके किधर चले गए, इसके तरफ क्यों
देख लो गाड़ी रोक के यार, गाड़ी रोक के मैच देख रहे हैं फुल इंटरेस्ट के साथ। भाई वैसे भाई की स्कूटर है ना, 1 मिलियन प्लस हो गया। गया जीत जाएगा, जीत जाएगा। उधर भी जा रही है, हाँ उधर बहुत जा रही है, वो भी 1 मिलियन में पहुंच गया होगा। वो देखो वो भी लोग भी देख रहे हैं रुक के शायद। वो भी देख रहे हैं YouTube का मैच। किसकी सांस अभी अटक गई है? दो फ्रीज मारा हुआ है। सुन ही नहीं रहे उसके बदलों के फ्री किए जा रहे हैं। हमें डबल टैप नहीं किया था, डबल टैप तो करते हैं ना। हाँ डबल टैप ये तो हम वो मैच के उसमें डबल टैप ही भूल गए। हार गया, हार गया, ये हार गया, हार गया, हार गया, वो हार गया। वो नहीं पहुंच सकता अब। नहीं पहुंच सकता भाई, हार गया। यूसुफ यार, यूसुफ यूसुफ है ब्रो, फ्रेंड पूरी टिकटॉक इसी की है। हार गया, रोना भी रोने लग गया। ये देखो जीत गया, अभी तो भाग जाएगा ये। भाग जाएगा ना यार, यूसुफ के साथ मैच लगा के गलती नहीं की इसने। जोश भी लगा था, यूसुफ से हार ही जाता है। अभी शक्ल देखो इसकी, शक्ल देखो इसकी। बच्चे जियो यार, वल्ला मजा आ गया यार। हो गया काम हो गया। लेकिन यूसुफ का स्कोर क्यों नहीं हो रहा उसका? यूसुफ का तो हो रहा है ना, ये यूसुफ का ही है। 1 मिलियन प्लस होगा, 2 मिलियन होने वाला होगा। तो यार हसन भाई भी हमारे लोकेशन के बिल्कुल करीब थे, मैच हमने अभी देखा है यूसुफ का। ठीक है, तो अभी हसन भाई से भी मुलाकात कर लेते हैं साथ साथ, क्योंकि हसन भाई हमारे जा रहे हैं सऊदीया उम्रे पे। हसन भाई आज आपकी हालत ऐसी लग रही है कि पूरा दिन जलील होते। सुबह से निकला हूँ, खुदा कसम खाना भी नहीं खाया। जलील हो गए। क्या हुआ गाड़ी को यार, अपनी शहजादी को क्या हो गया? तो यार उसका बड़े मसले आज निकले। आज एक दिन सऊदीया जा रहे हो सुबह इस पे, और अभी मसले हो गए। वही ना, अभी वो मिसिंग कर रही है, अभी लेके गए ना गए यही सोच रहे हैं। अभी तक सेट नहीं हुई। क्या अभी तक सेट नहीं हुई यार गाड़ी? ये तो रोला है यार ब्रो, कि सुबह आप कैसे जाओगे? वही सोच रहे हैं ना। क्या हो गया गाड़ी को? यार हसन भाई हमारे सुबह जा रहे हैं सऊदी कतर। फ्रॉम व्लॉग बनाओ एक अभी सा, ट्रैवल फ्रॉम कतर टू सऊदी। अच्छा, आवाम को दिखाओ, व्यूज आएंगे आवाम को दिखाओ कि किस तरह उन्हें का क्या तरतीब होती है कतर से सऊदी किस तरह जाता है बंदा, निज़ाम सारा दिखाओ पूरा ब्लॉग। हमारे लिए भी दुआ करो इंशाल्लाह, हम भी यार जल्दी जाएं दोबारा, जिंदा रखा वापस आने के काबिल रहे तो इंशाल्लाह जरूर करेंगे। हाँ तो वापस आके दुआ नहीं करनी ना, उधर जाके हमारे लिए दुआ करें, उधर जाके दुआ करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम भी दुआ करते हैं सफर आपका आसान हो, खैरियत से पहुँचो। ये भाई भी जा रहे हैं हसन भाई के, भाई दुआ करनी है हमारे लिए भी। ठीक है, फिर आपसे मिलते हैं 10 दिन बाद, जब आप वापस आओगे टेंड होगी फुल चेहरे पर नूर। बस वो मुझे बड़ी बड़ी करते हैं हम यार, मुझे लोग उधर जाके मुझे कटवाते हैं, बड़ी करने की बात कर रहे हो यार। नेक बिल्कुल आप नेक बन के आओगे, तो सब गलत काम छोड़ देने, अभी से नियत कर लो। नहीं नेक पर भी मान नहीं आएंगे, अभी से नियत कर लो, कोई गलत काम नहीं करना। आप गलत काम हम करते क्या हैं?
आप वो बताओगे सामने, मतलब शैतान आया अभी तो रोक देना, शैतान आया रोक देंगे, शैतान की। तो फिर मिलते हैं यार आपके उम्रे के बाद। ओके फिर अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे फिर दोबारा। आप अगवाम को यहीं से दिखाएंगे आपको सीन एक नए हसन के साथ। ये अरसलान का मैसेज आया। किसका इंतजार कर रहा है बेटा? किसका इंतजार कर रहा है? आपका ही मैसेज है और अरसलान का भी मैसेज आया। ओहो, फुल फुल माहौल में बच्चा तैयार हुआ है यार। इतने बड़ा माहौल बन रहा है, फुल एंजॉय के सीन में लग रहा है। नहीं 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 यार, किधर जाने की तैयारी हो रही है? आपने बोला आएंगे खाना वाना खाएंगे, मैंने चलो वेलकम। मैं अभी निकल रहा था, मैं सोचा निकल रहा था, मैं अभी मेरी 11 बजे ड्यूटी ऑफ हो जाती ना, तब मैं निकल रहा था। किधर जाना था? छोड़ के चले जाता तू? नहीं नहीं यार, आपको छोड़ के कैसे, आपकी वजह से तो मैं और वलीद भाई की वजह से तो रुका हुआ था यार, मेरे को कॉल आई थी। तो यार अगेन जो है ना मज़र भाई के पास आ गया, आज तो मज़र भाई मुदीर बने हुए, खाना भी आ गया। और खाना जब आ गया तो फिर कोई बादशाह नहीं, खाना खाएंगे पहले फिर। और भूख भी बड़ी ज़ोर की लगी है वल्ला, बहुत भूख लगी हुई है, निज़ाम को छिक देना है। मज़र भाई शुरू हो जाओ। तो यार फाइनली जो है ना मज़र भाई के पास से भी होके शुक्र मेला लगा के हम वापसी पहुँच गए। भाई को कुछ काम आ गया, जाना यार, बिजनेसमैन आदमी है फिर जाना पड़ता है इधर उधर यार, हाजिरी लगानी पड़ती है। तो भी करते हैं भाई को अलविदा। तो वल्ला आज का दिन अच्छा गुजरा है, वहाँ भी जो है इन्जॉय करेगी आज के दिन के ब्लॉग। कल मिलते हैं इंशाल्लाह टुमारो नेक्स्ट ब्लॉग, और ध्यान से जाना, ड्रिफ्ट नहीं मारनी है। तो के लिए यार वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को करो लाइक, चैनल को भी करो सब्सक्राइब। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ठीक है।